इधर इधर आइए, इधर सामने वो दिखा देगा, ठीक है, सेट है जी। हाँ, थैंक यू, थैंक यू जी। बिल्कुल, देखिए आज पोलो का जो है वो चैम्पियनशिप फिनाले है और मुझे मौका मिला थैंक्स टू वेरी वेरी डियर फ्रेंड। आई थिंक उन्होंने कहा कि आज आप आना चाहेंगे। आई थिंक डेफिनेटली, क्योंकि पोलो इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हॉर्सेज, इट्स ऑल्सो अबाउट हॉर्सेज एंड जैसे आप सुन पा रहे हैं, आई थिंक आई एम श्योर समबडी हैज स्कोर्ड अ पॉइंट। और आई थिंक मेरे लिए अगर मैं कहूँ, दिस इज़ अ वेरी रॉयल स्पोर्ट। अगर हम कहा जाए, पहले जो है राजा महाराजा हमारे पोलो वगैरह खेलते थे, और आई थिंक अब आज भी ये जो एक जो स्पोर्ट है, आई एम श्योर कहीं ना कहीं अब ये ज़्यादा आस्ते आस्ते पिकअप करेगा, लोग इसके बारे और अवेयर होंगे। बट हाँ, अगर मुझसे पूछे पोलो के बारे में, मेरा जो एक ही मोटिव था आने का, एक ही मेरी जो आने की जो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इनसे मिल पाऊँगा। आई थिंक आई लव हॉर्सेज, सब जानते हैं मुझे घोड़ों से बेहद प्यार है। ये प्यार जो अभी का नहीं है, कई सालों से है, और बस मुझे मौका चाहिए। जहाँ भी घोड़े होते हैं, कुछ भी हो, मैं बस पहुँच जाता हूँ। सो जी, देखिए ऐसा है कि क्रिकेट तो मैं मानता हूँ रिलीजन है, लेकिन पोलो जैसा एक स्पोर्ट जो है, जो मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ वेरी रॉयल स्पोर्ट, धीरे धीरे वो भी अगर हम उसे इंट्रोड्यूस करेंगे, आई एम श्योर इंट्रोड्यूस हो चुका है, और जैसे आज मैं आया हूँ फिनाले के लिए, अब धीरे धीरे ये भी पिकअप करेगा, लोग इसे और अवेयर होंगे कि ये कैसे खेला जाता है। इसमें जितनी लोग दिलचस्पी लेंगे, वो भी एक तक कहीं ना कहीं आई एम श्योर क्रिकेट की तरह ही हो सकता है, नेवर नो जी। देखिए आपने ये सवाल मुझसे अभी पूछा, मैं बस इतना कहूँगा कि मैं भैया, मैं सच बताऊँ तो इस साल मैंने देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं देखो ऐसा है कि यार, ये एक बहुत ही ऐसा सवाल है, नहीं नहीं जो अच्छा खेलेगा आई एम श्योर वही जीतेगा। आप लोग जो है मीडिया किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये बताइए मुझे, आई एम श्योर आप लोग के बहुत फेवरेट्स होंगे, इनके भी होंगे, तो आई एम श्योर यार देखो कुछ सीजन होते हैं जब हम लोग देखते हैं, इस साल मैं सच बताऊं तो मैं देख नहीं पाया हूं, बट यस काफ़ी गर्मा गर्मी रहा है बिग बॉस, काफ़ी चर्चा में रहा है, आई एम श्योर जो जीतेगा बहुत अच्छा खेला होगा उसने यार। विशिंग एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ये देखो अच्छा सवाल पूछा इसने मुझे, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, जान के बेहद दुख होगा कि वो अब नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है कोविड के टाइम पे, लेकिन हाँ मैं बहुत मिस करता हूँ जी। सो थैंक यू, और बहुत जल्द आप लोगों को एक सरप्राइज़ भी दूंगा घोड़ों से रिलेटेड। There you go. What's going on? Go. I can't. उनका मदद करना आप प्लीज। They just like ground. Yeah, that's it. Just ground. Hello. ये साथ में ही निकल, ओ अंगूर वहाँ पे ले गया, हाँ उधर अंदर कर लो, सेंटर अरे अंकुर हट ना, अभी आने तो दे,
कैसे हो आप? एकदम ठीक हो, आप कैसे हो? जी आइए। अरे हमको यार तो फ्रेम में चले। ये सेंटर क्या भी दिखेंगे? बेटा यहाँ पे देख लेंगे पे हम दीजिए बेटा। थैंक यू अमित के लिए बाइक जब उम्र एक मिनट चलो लगाओ हो गया रोल। अवंतिका जी, सबसे पहले तो इस चैंपियन पोलो चैंपियनशिप में आई हैं आप, कितनी एक्साइटेड हैं इसको लेकर आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारा ये जो रेस ग्राउंड है, रेस कोर्स जो है हमारा, बहुत एक मुंबई का एक बहुत इवेंटफुल एक ब्यूटीफुल स्पेस है और इधर हमें इतना मौका नहीं मिलता इसे एंजॉय करने का। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर और ऐसे यूनिक स्पोर्ट को एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है। मैम, जैसे आपने कहा कि यूनिक स्पोर्ट को एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है, तो आप जो है मतलब हमारी कंट्री में देखते हैं कि हम क्रिकेट को ही ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, ऐसे स्पोर्ट्स को लोग जो है इतना अटेंशन देते नहीं है। करेक्ट। क्या कहेंगे इसके बारे में? आई थिंक हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है, बहुत यूनिक स्पोर्ट्स है, इतने स्पोर्ट्स प्लेयर्स है और जब एक आदित्य बिरला ग्रुप जैसे एक बड़ी कंपनी इन स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन को प्रोत्साहित करती है वो बहुत अच्छी बात है एंड ऑडियंसेस और लोगों को देखने को मौका मिलता है। सो आई थिंक जितना हम उसे ज़्यादा देखें, हम इनकरेज करें, वो इतनी अच्छी बात है एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। अवंतिका जी, मतलब सब लोग अयोध्या जा रहे हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, तो आप कितना आप जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, हमको जानना है। और प्लस आप क्या करेंगे अगर उस टाइम नहीं जा पाएंगे तो? अभी तो प्लान नहीं है जाने का, काम में फ़िलहाल थोड़ा बिजी हूँ, बट आई होप सून इनफ बहुत बहुत एक यूनिक और एक्साइटिंग हमारा एक मंदिर उधर बना है एंड देखने के लिए मैं क्वाइट एक्साइटेड हूँ। ओके, थैंक यू। ए बुमड़ा, यार तू कहाँ बीच में घुस जा? चार बजे आएगा। और कैसे हो भाई? बस बिग बॉस के बारे में मत पूछ लेना। यार झूठ नहीं बोलूंगा, मैं खेलता नहीं तो देखने के लिए आया हूँ, मजा आएगा देखने के लिए। अप्लॉज से मेरी पूरी टीम यहाँ है, मुझे अपने दोस्तों से मिलना है और शाम में पार्टी एंजॉय करेंगे। ट्रैफिक सह के आए हैं, थोड़ा एंजॉय तो करेंगे। एक्सेस नहीं है ना यार, अगर स्कूल में एक्सेस होती हॉर्स राइडिंग की या कुछ, आई थिंक तो और इंकरेजमेंट मिलता। मुझे बचपन में बहुत शौक था हॉर्स राइडिंग का, इंशाल्लाह सीखूंगा। विक्की को सपोर्ट कर रहा हूँ। वो सब मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख रहा, लेकिन विक्की मेरा दोस्त है, उसके शादी में बहुत नाचा हूँ, बहुत प्यारा लड़का है, सोच समझ के बात करता है। अंदर क्या गुल खिला रहा है मुझे पता नहीं है, बट आई थिंक डिसेंसी मेंटेन करेगा वो। काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हो रहे हैं आपके रिलेशन अंकिता को लेके, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आपकी शादी हुई है? आपकी शादी हुई है? झगड़े होते हैं? कैमरा लगा है? यहाँ लगा है, सिंपल बात है, होते हैं यार, उसमें क्या है? उसमें क्या है, हम हर एक झगड़े को यहाँ ग्लोरीफाई करते हैं, अरे भाई झगड़ा हो गया, किसके घर में झगड़े नहीं होते हैं,
किसके घर में सेपरेशन की बात नहीं होती, किसके घर में कोई धमकी नहीं देता मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, होते हैं यार, लेकिन शादी कमिटमेंट है, निभाएंगे आई एम श्योर. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. मेरे घर में तो बहुत ही फोटो. चलो ये अब इस पीछे ना आज तो मैं सबका आगे घूमेगा. ठीक है सर. बस भाई आपका नाम क्या है? टियारा. ओके बाय. पूछना पड़ता है बच्चों से ऐसे भी. आपको कौन सी नस्ल के घोड़े पसंद है? इसलिए पूछा कौन सी नस्ल के. अरे डैडी बोलते थे हम लोग घोड़ों का धंधा करने आए. Thank you.